आप सभी का स्वागत है WWE में हम के 31st एपिसोड में। तो काफी सारे दोस्त बोल रहे थे कि आप स्टोरी मोड को क्यों नहीं खेलते हो WWE में हम का, तो चलो आज इस एपिसोड में हम खेल ही लेते हैं। तो हम खेलने वाले हैं द राइजिंग स्टार टाइटल शॉट के सेकंड पार्ट को, जिसका नाम है बैकअप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रिकमेंडेड रेटिंग है 468, हमारा जो रेटिंग है 4372, मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। और उसके साथ साथ और एक सुपरस्टार भी ऐड कर सकते हैं, तो हम यूज करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर जी को। तो चलो लेट्स बिगिन। पहला मैच डैनियल ब्राइन के अगेंस्ट, स्टोरी फोरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ मैच खिलवाओ और जल्दी से जल्दी रिवॉर्ड्स दे दो। तो स्मैकडाउन में यह मैच चल रहा है। डैनियल ब्राइन जी अभी फिलहाल नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए। तो पहला लड़कियों वाला बॉब सनसेट अशॉल्ट आता हुआ एज स्टाइल की तरफ से, क्या हिलने वाला है? जी हाँ हिलने वाला है। क्या हम टैलेंट दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। चलो फिर से यूज करते हैं और एक लड़कियों वाला मूव सनसेट अशॉल्ट वर्सन 2। अभी तो हिलने नहीं वाले, जी हाँ। तो इसी के साथ स्टोरी मोड का पहला मैच जीतते हुए मजा आया। तो जिंदगी का रास्ता चूज करने का समय आ चुका है, तो हम हर बार की तरह इस बार भी ऊपर से जाएंगे। तो ये मैच जेवियर वुड्स के अगेंस्ट, जिनका पावर है 222, तो इनके अगेंस्ट भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। एज स्टाइल को कुछ लात फटके और झटके देखे, स्टाइल क्लास लगा के मैच को जीत जाएंगे। जी हाँ सिग्नेचर मूव, ये तो हमें भी पता है, लेकिन ये भी हिल रहा है, टैलेंट नहीं आएगा काम में, डिनाई कर चुका है। जेवियर रूट का बाल कभी खराब नहीं होता है, पता नहीं कि उतना मार खाने के बावजूद। तो तीसरी बार इस एपिसोड में लड़कियों वाला मूव, क्या हिलने वाला है? नहीं, बार बार थोड़ी ना हिलेगा। तो जेवियर रूट्स को टाटा बाय बाय करके इस मैच को भी जीतते हुए अगला मैच सिज़ारो के अगेंस्ट, हम इनके अगेंस्ट यूज करेंगे सेथ रॉलिंस को। तो चलो टकला में मार के टकला फटाते हैं। बहुत सही बहुत सही, मारते चलो फटके देते चलो। एक स्पेशल मूव तो बनता है, नहीं बनेगा, सारा मेहनत पानी में फेर दिया टकला जी। चलो मैग्निफिसेंट बोल दिए हैं तो पकड़े, वो रिवर्स करेगा और हम भी रिवर्स करेंगे फिनिशर के साथ। कौन सा वाला फिनिशर? सिग्नेचर मूव, फिनिशर नहीं, बकल बॉम्ब के साथ डेंजर करते हुए क्या सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे। जी हाँ, और बोलने का ज़रूरत भी नहीं है। तो बहुत ही आसानी से मैचेस को जीतते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो जल्दी से जल्दी कर दो। और साथ ही साथ आज सुबह हमारा गेमिंग न्यूज़ का नया एपिसोड आ चुका है, तो उसको भी जाके देख लेना, क्योंकि आज का जो एपिसोड है ना WWE मेहम का, बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि हम पहुंच गए हैं मेन इवेंट में। जो टैग टीम मैच है कार्ल एंडरसन और लूक गैलोस के अगेंस्ट, तो हम यूज़ करने वाले हैं एज स्टाइल और सेथ रॉलिंस का जोड़ी। तो चलो हम रेडी हैं फिर से टकला फटाने। इस तरफ दोनों बड़े बड़े बाल, उस तरफ टोटल बाल नहीं, काफी अच्छा मूव, लेकिन हम यूज करेंगे फिनोमिनल फोर आर्म्स, यानी चार आर्म्स। चलो टैलेंट काम पे आएगा। जिस स्टाइल जीत जाए, जीत गए। तो आप सबने कहा था स्टोरी मोड को खेलने के लिए, और इस मैच को जीत के नए एपिसोड भी अनलॉक करते हुए। तो आने वाले एपिसोड देखना चाहते हो WWE मेहम का, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लोगो बटन को दबा के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हुए जाओ यार। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।